नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का आज तीसरा दिन है। इसी कड़ी में तेजस्वी की यात्रा सिवान पहुंची। सिवान मतलब शहाबुद्दीन का गढ़, वही शहाबुद्दीन जो आरजेडी के फाउंडर मेंबर में से एक हैं और साथ ही लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन स्थिति आज यह है कि शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, और ऐसे में जब तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा सिवान पहुंची तो लगा कि शायद तेजस्वी और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच जो दरार है वो शायद समेटने की कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन जब तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे तो ये दरार कम होने की बजाय और चौड़ी हो गई। बता दें कि तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा में कहीं भी शहाबुद्दीन के परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। साथ ही तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान जब तेजस्वी यादव से शहाबुद्दीन के परिवार के विषय में सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव सीधा पहले सवाल को अनसुना करते रहे, और जब पत्रकार ने बार बार सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव चलते बने। बता दें कि तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो पहले शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से तेजस्वी यादव के ठीक ठाक रिश्ते थे। चुनाव प्रचार के कई मंच पर दोनों साथ भी दिखाई दिए थे। खासतौर पर 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव और हिना शहाब ने कई चुनावी रैलियों को साथ में सिवान के आसपास के इलाकों में संबोधित किया था। और साथ ही आपको बता दें कि ओसामा की शादी में भी तेजस्वी के साथ साथ तेज प्रताप पहुंचे थे। लेकिन पिछले एक डेढ़ साल में शहाबुद्दीन के परिवार से लालू परिवार की दूरी साफ दिखाई दे रही है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को जेल भी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बड़ा बयान या कोई सहानुभूति शहाबुद्दीन के परिवार तक नहीं पहुंची। उस वक्त में तेजस्वी यादव हिना शहाब से मिलने भी नहीं पहुंचे। हिना शहाब के रोते बिलखते कई वीडियो वायरल होते रहे, और आगे चलकर ओसामा रिहा भी हुए, लेकिन तेजस्वी यादव ने सिवान के आसपास आने के बावजूद शहाबुद्दीन के परिवार से मिलना मुनासिब नहीं पहुंचा। और अब ये तेजस्वी की लोकप्रिय जन विश्वास यात्रा सिवान पहुंची, और हिना शहाब का नाम सुनते ही देखिए कैसे तेजस्वी यादव चलते बने। सिवान से हमारे संवाददाता चंदन की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। आपको ये रिपोर्ट देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।